And it's worth spending that, especially for the crabs. One of the best dish which we have it on this hotel bar and restaurant actually. Khana to lazeez tha, lazeez bol dena. Lazeez. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप टू ट्रैवल। बहुत लोगों का क्वेरी था गोवा में अच्छा सी फूड कहाँ पे खाने को मिलेगा। ये वीडियो में मैं आपको एक रेस्टोरेंट में लेके आया हूँ, फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको हर तरीके का सी फूड खाने को मिलेगा, बहुत फेमस है। यहाँ पर लोकल्स के साथ टूरिस्ट भी आते हैं। मैं अंदर जाऊँगा अभी रेस्टोरेंट में और वहाँ पर इनका सी फूड का क्या ऑप्शन है, कैसे खाना रहता है यहाँ का, सारे अपडेट मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ। मापसा सिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर डिस्टेंस में ये रेस्टोरेंट है। यहाँ का स्पेशलिटी जो है वो क्रैब मसाला है। क्रैब खाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। तो हम चलते हैं अंदर और जाके अंदर देखते हैं कैसे क्या है इनका खाना। रेस्टोरेंट का नाम है, आप देख सकते हो, ये रेस्टोरेंट का नाम है कमला बाई। तो ये है कमला बाई का मेन एंट्रेंस। राइट साइड में आप देख सकते हो ये इनका एसी सेक्शन है। अभी फ़िलहाल एसी सेक्शन इनका फुल है, तो हम ज़्यादा करके लेफ्ट साइड में जाएंगे। उनका जो नॉर्मल सेक्शन है वहाँ पे चलते हैं क्योंकि हमको लगा है भूख। और ये आप देख सकते हो आज का स्पेशल मेनू, स्क्विड्स है, किंग क्रैब है, प्रॉन्स, पम्परेट, किंग फिश और चणक, ये आज का स्पेशल है। तो इनमें से कुछ हम ऑर्डर करेंगे और आगे आपको दिखाऊँगा। तो चलो चलते हैं। अपना ग्रुप ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। मैं जाके दिखाता हूँ। ये इनका रेस्टोरेंट है, देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा स्पेस है। और इनका किचन है, किचन में अच्छा खासा इनका स्टाफ भी है। और चलो चलते हैं टेबल पे और देखते हैं आगे के ऑर्डर। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने कुछ ऑर्डर किया था, इसमें से कुछ आ गया है। चिकन तंदूरी है, ये स्क्विड्स मसाला और चणक रवा फ्राई, ये हमने ऑर्डर किया। और कुछ ऑर्डर किया है वो अभी तक आया नहीं, जैसे ही आएगा मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम ट्राई करेंगे चणक रवा फ्राई। मैं ट्राई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसका टेस्ट। अच्छा स्क्विड्स, स्क्विड्स मसाला फ्राई बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हाथ से खाते हैं ना। ये चणक रवा फ्राई है, ये है क्रैब सूखा, यहाँ का स्पेशलिटी है ना भाई, कमला भाई का स्पेशलिटी। हाँ, क्रैब मसाला सूखा। ये इसमें क्वांटिटी वाइज और इसमें क्रैब देख सकते हो आप कितना, इससे पता चलता है क्रैब का साइज। प्रशांत कैसा है टेस्ट? बहुत ही अच्छा बना है, मसाला अच्छी तरह से लगा है, इसीलिए स्पेशल है।
आदि तंदूरी कैसा लगा? सुपर। चौड़ों ग्राह फ्राइड क्या और ये स्क्वीड्स मसाला चीज़ें एक हाथ से नहीं खा सकते, दो हाथ से खाना पड़ता। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ को खाने के लिए आपको दोनों हाथ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से खाना मुश्किल है। उनको उसको आपको तोड़ के खाना पड़ेगा। हाँ, अंदर जो इसके अंदर जो मीट रहता है वो खाने का मज़ा अलग आता है। तो मैं अभी दोनों हाथ यूज़ करने वाला हूँ। थोड़ा नॉइज़ है और भी कस्टमर है इसलिए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर जितना हो पाएगा मैं आपको सी फूड के बारे में पूरा अपडेट देने के लिए कोशिश करूँगा। ये प्रशांत, ये देवन भाई है, तो ये लोग खाने के बाद आपको फीडबैक देंगे यहाँ का। ये जो सी फूड के बारे में आपको फीडबैक मिलेगा कैसा है टेस्ट वगैरह। तो अभी हम खाते हैं। चलिए, ये जो क्रैब खाने में जितना टेस्टी है इसके हिसाब से इसका क्वांटिटी भी उतना आता है। आप एक प्लेट आप ऑर्डर करते हो क्रैब का, तो आपको आपका पूरा फैमिली एक प्लेट में खा सकते हैं पूरा। जैसे कि हम अभी 6 लोग हैं, एक प्लेट में हमको पूरा फैमिली को 6 लोगों को सफिशेंट है एक प्लेट क्रैब। तो ये अराउंड 600 का प्लेट है और क्रैब का क्वांटिटी और टेस्ट वाइज अच्छा है। आपको आना चाहिए सी फूड के लिए। कमला भाई, ये जो रेस्टोरेंट का लोकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप बिल्कुल अगर कलंगूट साइड मापसा साइड में है तो यहाँ पे आए, सी फूड ट्राई करें, स्पेशली इनका क्रैब आप बिल्कुल ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी है, आपको पसंद आएगा। और उसके साथ एक चिल्ड बियर। आपका रेस्टोरेंट का टाइमिंग क्या है? कितने बजे सुबह ओपन होता है, कितने बजे बंद होता है? 10:30 बजे चालू होते हैं। ओके, आइटम सुबह 11:30 बजे रात को, सुबह। ओके, सुबह 11 बजे के बाद। हाँ, और 3:30 बजे लॉस्ट शॉट होते हैं। ओके, 3:30 बजे क्लोज हो गए, तो अभी 7:30 बजे ओपन हो गए। 7:30 बजे शाम को, और रात को कितने बजे तक? 10 बजे लास्ट। 10:30 को लास्ट है। ओके, लास्ट ऑर्डर है। कौन से दिन में बंद रहता है? थर्सडे को बंद रहता है। ओके, होम डिलीवरी देते हो? नहीं देते हो, ऑर्डर कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट शाम को, ऐसे तो सुबह भी रहता है, शाम को 7 बजे से स्टार्ट होके और रात को 10:30 बजे तक रहता है, और थर्सडे को बंद रहता है। गुरुवार के दिन यहाँ बंद रहता है, उसके सिवा और बाकी के दिन आप यहाँ पे आ सकते हैं, सी फूड एंजॉय कर सकते हैं। बहुत फेमस रेस्टोरेंट है कमला भाई, आप गूगल में भी सर्च किया तो इजीली आपको लोकेशन मिल जाएगा यहाँ का। और ये लोग फ़ोन पे भी ऑर्डर लेते हैं, आप गूगल में इनका नंबर है वहाँ पे भी फ़ोन करके, आपको अगर एडवांस ऑर्डर देना है, आपके पास टाइम कम है, आप फ़ोन करके भी इनको ऑर्डर दे सकते हैं और आके अपना टेबल फ़ोन पे भी बुक कर सकते हैं। हमने चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, आप देख सकते हो सामने है चिकन फ्राइड राइस। लुक वाइज बहुत अच्छा है और इसका जो क्वांटिटी है वो 5 से 6 लोगों के लिए सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और टेस्ट में आगे आपको बताने वाला हूँ। बहुत क्वांटिटी भाई, क्वांटिटी वाइज कैसा लगा आपको ये? अच्छा है ना, 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं राइस अगर
चार लोग के लिए आराम से। बीच साइड में ये तीन प्लेट होगा, बीच साइड में अगर शेक में ऑर्डर करते हैं तो ये क्वांटिटी तीन प्लेट होगा, तीन प्लेट होगा, इतना क्वांटिटी है इसमें। कैसा टेस्ट? सो टेस्ट भी अच्छा है, जैसे कि देवेन भाई ने ट्राई किया, टेस्ट वाइज अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छा है। क्वांटिटी आप पांच लोग तो मिनिमम पांच लोग आप इसको आराम से खा सकते हो। ये तोड़ने के लिए इसको क्या बोलते हैं, कटर? हाँ, क्रैब तोड़ने के लिए आपको कटर भी दिया जाता है ताकि आप आसानी से इसको तोड़ सकते हो। और इसे ये देखो, मैंने तोड़ा, इसको तोड़ के आपको अंदर का जो मीट है इसको एंजॉय कर सकते हैं। अंदर जो मीट है अच्छे से बॉयल किया हुआ है, बाहर के लेयर में आप देख सकते हो मसाला वगैरह, अच्छा से मसाला आया है। और अंदर ये मीट देख सकते हो, वाइट मीट जो है बिल्कुल बॉयल किया है। इसके लिए ये कटर देते हैं ये लोग, आपको इजी होता है। और यहाँ पे सर्विस जो है इनका बहुत अच्छा है, फर्स्ट सर्विस है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी नहीं लगा था ऑर्डर करने के बाद, 10 मिनट के अंदर आपको ऑर्डर मिल जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ, ऑर्डर के 10 मिनट के अंदर ही हमारा ऑर्डर आ गया था। तो ये चीज़ अच्छा है, एक एक रेस्टोरेंट में क्या रहता है, बहुत टाइम आपको आधा घंटे तक आपको वेट करना पड़ता है, यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता है। क्योंकि इनका जो स्टाफ है, किचन स्टाफ, मैं जैसे देख पा रहा हूँ काफ़ी मात्रा में इनका किचन स्टाफ है, जिसकी वजह से इनका जो ऑर्डर्स है बहुत फास्ट आता है। ये कितना रहे वो? नान एक है वो, क्वांटिटी नान का भी क्वांटिटी आप देख सकते हो, तीन लोग खाने के बाद इतना बचा है। एक नान हमने ऑर्डर किया था, ये था चीज़ गार्लिक नान। क्वांटिटी वाइज, टेस्ट वाइज और इसके हिसाब से इसका जो प्राइस है दोस्तों, यहाँ बहुत सही है। आपको ऐसे फील नहीं होगा कि आप आए और आपको क्वांटिटी वाइज या टेस्ट वाइज कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, ऐसे फील नहीं होगा। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अगर कलंगुड मापसा साइड में है तो ये रेस्टोरेंट ज़रूर विजिट करें। कमला भाई है, आपको पसंद आएगा। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमने ये सारी चीज़ें एक एक प्लेट ऑर्डर किया था। ये देख सकते हो, ये जो फ्राइड राइस है एक ही प्लेट था, छः लोग खाने के बाद इतना क्वांटिटी फिर भी बचा। ओके, चीज़ गार्लिक नान ये भी इतना क्वांटिटी बचा, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, पार्सल करके लेके जाएंगे, हम घर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्रैब मसाला का कुछ मसाला बचा है, और ये प्रशांत थोड़ा ये दिखाओ, ये स्क्विड्स चिल्ली, स्क्विड्स मसाला ये भी बचा है। तो अभी फीडबैक लेते हैं, जो भाई है उनसे पूछते हैं इनको खाना कैसा लगा, क्वांटिटी वाइज, टेस्ट वाइज और रेस्टोरेंट कैसा है, इनसे जानेंगे। भाई, टेस्ट वाइज वाज रियली गुड, क्वांटिटी वाज वेरी गुड, लाइक यू कैन हैव सिक्स पीपल विद दिस फूड एंड स्टिल इट इज़ लेफ्ट ओवर। सो वी गोना हैव दिस टेक अवे पार्सल एट होम, सो वी गोना हैव इट टुमारो इन द मॉर्निंग अगेन। It's very nice restaurant here. I hope you two guys come and visit this Kamla Bhai, which is there in Mapsa. And it's worth it's worth spending that, specially for the crabs, one of the best dish which we have it on this hotel bar and restaurant. Thank you very much. Thank you. प्रशांत, आपको कैसा लगा खाना, और क्वांटिटी वाइज, टेस्ट और ये रेस्टोरेंट का क्या आपका फीडबैक क्या है? खाना तो लजीज था, लजीज बोल देना, लजीज समझ सकते हो, लजीज। उसका क्रैप बहुत ही स्पेशल था और क्वांटिटी वाइज भी अच्छा है, और एक पोर्शन चार लोग खा सकते हैं आराम से, चार पांच लोग खा सकते, आराम से खा सकते हैं। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, कूल है, मैं बोलूँगा वैल्यू फॉर मनी बोलेगा, वैल्यू फॉर मनी। तो आप क्या रिकमेंड करते हो, यहाँ पे आना चाहिए? ज़रूर ज़रूर, यहाँ पे आके नहीं गया और क्रेप्स नहीं खाया तो कुछ। तो प्रशांत भाई जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप अगर गोवा में हो, मापसा कलंगुट साइड में हो, तो कमला भाई में अगर आके आपने क्रैब एंजॉय नहीं किया तो आप बिल्कुल एक चीज़ तो मिस करोगे। तो इसलिए ये रेस्टोरेंट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप आइए यहाँ पे, सी फूड बिल्कुल ट्राई कीजिए, और यहाँ का जो स्पेशलिटी है क्रैब, उसको आप बिल्कुल ट्राई करना चाहिए।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा कमला बाई का जो सी फूड। अपने आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे सी फूड के बारे में पूछा था कहाँ पे अच्छा सी फूड मिलता है, तो मैं ये रेस्टोरेंट आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, आप यहाँ पे आए और आपका सी फूड एंजॉय करें। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छा प्लेस का वीडियो मैं आपको आगे देता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।